अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं और हर टाइप का क्या नाम है। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका डेफिनेशन है ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम यानी इंसान का जो वो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए, ओवर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। इसको और अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, ठीक है, इससे ये तो बहुत सिंपल है ना, अगर कोई और डेफिनेशन इसका बनाए तो वो क्या बन सकता है। इसको हम इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिजायरेबल रिएक्शंस, अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी किस तरह, हमने कहा कि हाइपर सेंसिटिविटी ऐसा रिएक्शन है जो कि अनडिजायरेबल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है नॉर्मल इम्यून सिस्टम से। मिसाल के तौर पर ये एक कोई बॉडी है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई नॉर्मल बॉडी है। अब इसके साथ कोई भी क्या कहा जाता है, एलर्जी, एलर्जन या कोई पैथोजन, कोई भी अलग चीज़ जो कि बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है, ठीक है, या पार्ट नहीं है, ये बॉडी के साथ एक्ट कर लेता है, तो बॉडी क्या कर लेता है, इसकी वजह से, ठीक है, कुछ रिएक्शन जो है वो पैदा कर देता है, एक्टिवेट कर देता है बॉडी को, उसी को क्या बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब नॉर्मल बॉडी था, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल था पहले, इसके साथ कोई चीज़ जुड़ा, उसके जुड़ने की वजह से क्या बना, कुछ रिएक्शंस हुए, ठीक है, वो रिएक्शंस क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके चार टाइप्स हैं टोटल, मैंने भी यहाँ पर चार एरो बनाए, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। अब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन जो है, ठीक है, इसको बोलेंगे इमीडिएट, इसका दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा, इमीडिएट, ठीक हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू को बोलेंगे एंटीबॉडी डिपेंडेंट, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 इसको बोलेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स, और लास्ट हाइपर सेंसिटिविटी 4 जो है टाइप 4, इसको बोलते हैं सेल मीडिएट, ठीक है, इसको बोलेंगे सेल मीडिएट। अब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, 2, 3 एंड 4, अब हर एक का अपना एक मैकेनिज्म है कि कैसे जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 सबसे पहले। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 को दूसरा क्या बोलेंगे, पीछे थोड़े से पहले अभी बता दिया था कि इमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, इमीडिएट इसका दूसरा नाम है। और ये रिएक्शन जो है अकर्स होता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर होता है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। ये स्किन में होता है, ये नेजल में होता है यानी नाक में होता है, GIT में होता है और आईज में होता है,
ठीक है, ये रिएक्शंस की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अब इसके अलावा अब ये रिएक्शंस किस तरह से होता है, ठीक है, ये रिएक्शंस किस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि IgE जो है ना एंटी, आप ये कह दें कि ये रिएक्शन टाइम क्या है इसकी, ठीक है, इट टेक्स 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, 15 to 30 मिनट्स। और अब ये किस तरह होता है, ठीक है, अब ये किस तरह होता है वो देखते हैं। सबसे पहले लाजमी बात है, हमने पहले ही कहा था कि कोई अलग चीज़ आएगा, कोई एलर्जी आएगा जिसको बॉडी पसंद नहीं करेगा, कुछ अलग आएगा जो कि बॉडी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी, हम कह रहे हैं कि कोई एलर्जी सबसे पहले आता है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, आप इमेजिन कर लें ये कोई एलर्जी है। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होता है जब ये एलर्जी जो है बॉडी में एंटर होता है, ये क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एलर्जी, कोई भी एलर्जी क्या है, ठीक है, यानी कि बॉडी का अपना नहीं है, बाहर से कुछ है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर एंटर होता है तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब ये इंटर होता है, फर्स्ट टाइम जब ये आता है तो ये क्या कर लेता है, ये एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर वन सेल को। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करेगा, टी हेल्पर वन सेल्स, ये टी हेल्पर वन सेल्स को एक्टिवेट करेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट करेंगे किसको, ये करेंगे टी हेल्पर टू सेल्स को, टी हेल्पर टू सेल्स को ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब टी हेल्पर टू जो है वो एक्टिवेट हो गए, अब टी हेल्पर जो टी हेल्पर टू सेल्स है ना, ये क्या करेंगे, टू से है तो ये दो काम करेंगे। ठीक है, ये दो काम करेंगे, सबसे पहला काम ये क्या करेगा, ये रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 को। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 4 उसको रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 5 को रिलीज करेगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 4 और 5 को रिलीज करेंगे। अब इंटरल्यूकिन 5 जो है ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा, जीनोफिल सेल्स को, ये जो जीनोफिल सेल्स है ना, ये जीनोफिल सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और यानी स्टिमुलेट करेगा। इंटरल्यूकिन 4 जो है ये क्या करेगा, ये जाके एक्ट करेगा बी सेल्स को, ठीक है, बी सेल्स पे एक्टिवेट करेगा, सिग्नल देगा यानी बी सेल्स को, बी सेल्स को कहेगा कि जल्दी से क्या करो, रिलीज करो, क्या रिलीज करो, IgE, क्या करेगा, IgE को रिलीज करो। ठीक है, IgE को रिलीज करो, IgE रिलीज होगा, या IgE क्या करेगा, रिलीज होने के बाद डायरेक्टली एक्ट करेगा बॉडी के मास्ट सेल पे, एक बड़ा सेल होता है बॉडी के अंदर, मास्ट सेल, ये क्या है, मास्ट सेल, ये मास्ट सेल पे ऊपर इस तरह कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है, IgE के लिए, तो क्या करेगा, ये मास्ट सेल इस IgE को अपने साथ यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने की वजह से क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो रिलीज होगा हिस्टामिन, रिलीज क्या होगा, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज होगा और आपको एलर्जी एलर्जी होगी। ठीक है, ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है, लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम हो जाए तो क्या होगा, सेकंड टाइम जब ये होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो ये किस था, जब ये सेकंड टाइम होगा, सेकंड टाइम यानी बॉडी में सेकंड टाइम इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा, तब क्या होगा कि सेकेंड टाइम एंटर होगा तो मास्ट सेल डायरेक्टली जो उसको किल कर देंगे अपने साथ। अब किस तरह, तो मैं लिखूंगा व्हेन सेकेंड टाइम इंटर्स नाउ मास्ट सेल विल अटैक देम, ठीक है,
तो क्या होगा जब ये सेकंड टाइम एंटर हुए, सिंपल ठीक है, एंटर हुए तो मास्ट सेल इस पर एक्ट करेंगे, मास्ट सेल ठीक है। मास्ट सेल ने अटैक किया किसकी, इसके मास्ट सेल ने अटैक किया। उसके बाद क्या होगा कि मास्ट सेल जैसे ही अटैक करेगा तो वही बात आए कि क्या होगा, एलर्जी रिलीज होगा हिस्टामिन ठीक है, क्या होगा हिस्टामिन रिलीज होगा ठीक है। अब ज़रूरी हिस्टामिन रिलीज हुआ, अब हिस्टामिन क्या करता है ठीक है, हिस्टामिन जो है ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। हिस्टामिन क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर ठीक है, ब्रोंक्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वेजो डायलेटर है। थर्ड ये क्या है, ये क्या करेगा, काज करेगा एडिमा को ठीक है, एडिमा काज करेगा। तो ये है हमारे पास कि हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह होती है। तो इसको मैं रिकैप कर लेता हूँ दोबारा, गौर से समझे। हाइपर सेंसिटिविटी एक एलर्जी रिएक्शन है, फर्स्ट टाइम बॉडी में हुआ तो क्या होगा, टी हेल्पर वन सेल एक्टिवेट होंगे, ये एक्टिवेट करेंगे टी हेल्पर टू सेल्स को, ये दो जगह काम करेगा, इंटरल्यूकिन 4 और 5 को एक्टिवेट करेगा। 5 जो है एजिनोफिल को स्टिमुलेट करेगा, जबकि इंटरल्यूकिन 4 जो है बी सेल्स को सिग्नल देगा, कि सिग्नल का मतलब है कि कुछ नया बनाओ। वो क्या नया क्या है, आईजीई है, या आईजीई मास्ट सेल पे एक्ट करेगा, और ये मास्ट सेल क्या करेगा, एनर्जी को यानी हिस्टामिन को रिलीज करेगा, और एनर्जी जो है एलर्जी पैदा होगा। अब इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, कोई भी स्टूडेंट किसी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझसे बाय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर आप लोग समझते हैं कि किसी नोट्स के लिए, किसी टॉपिक के लिए, चाहे वो पैथोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, एनाटॉमी हो, एम्ब्रियोलॉजी हो, हिस्टोलॉजी हो, मतलब प्ले लिस्ट चेक किया करें, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास पेपर, थ्योरी पेपर, वाइवा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है, मतलब ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग मुझे बाय व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये था हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो है इंस्टाग्राम जो है लिंक सेंड कर दूंगा, काइंडली वहाँ हमें फॉलो करें, FB में भी फॉलो करें, और आप लोग चाहें तो बाय व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट करके आपका जो भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।